Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. क्या हाल है गाइस? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. कैसा रहा टेस्ट? बहुत अच्छा है सबका. गुड इवनिंग सर. ठीक था सर. बहुत कुछ है. बड़े नंबर सर आपको बड़ा बड़ा के मिल गया ना नंबर? यस सर. सर बड़ा के मिले हैं बट जब भी बहुत गंदा था. अब भी बहुत गंदा है. यस सर. इतने गंदे नहीं जितना नाटक कर रहे हो सर. थे देवेंद्र को ऐसा तो नहीं जिसने टेस्ट मिस किया हो और उसके घर से फोन ना आया हो? और मैं. अच्छा फोन क्यों नहीं कराया तुमने? सर वो मैं कराना भूल गई सर. अब मैं करा मम्मी को बोल दूंगी. वो आपको कॉल. बर्थडे था ना तुम्हारा एक दिन? यस सर. घर के अंदर तो होगी. टेस्ट देने में क्या था सर? वो पार्टी चल रही थी. अच्छा देखो इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. इसमें बात क्या रहा है कि कोई नॉट टू वॉवेल्स कम टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है ना. कोई भी तो वॉवेल साथ नहीं है. जबकि वो जो क्वेश्चन है उसमें है कि सारे वॉवेल साथ में नहीं है. अच्छा ठीक है. तो इसका मतलब उस वाले दूसरे केस में जो दूसरे केस में दो वॉवेल साथ आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, लेकिन सारे चारों एक साथ नहीं आने चाहिए. यस सर. ठीक है. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना चाहिए था यार. 5 तो इजी है. NPR दे रखा है 110 और NCR दे रखा है 55. अभी NPR और NCR में रिलेशन याद नहीं है सर? NPR अपॉन R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू NCR. ये तो था. अगर याद भी नहीं फॉर्मुला लिखोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा. वो नहीं लिखोगे तो डायरेक्टली याद रखोगे यार. NPR और NCR में क्या रिलेशन होता है? जब NCR में R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो NPR बन जाता है. या फिर हम बोल लें कि NPR में जब R से डिवाइड करते हैं तो NCR बन जाता है. याद है रिलेशन? NPR अपॉन R फैक्टोरियल ही तो NCR होता है. यस सर. NPR है 110 अपॉन R फैक्टोरियल, NCR है 55. यहाँ से कितना आसान हो गया. R फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ गई. तो मेरे को तो सब बहुत टाइम लगा था निकालने में. तो मतलब R इज इक्वल टू सर. मेरे को भी बहुत टाइम लगा था. ये तो 15-20 सेकंड का था. सर n निकाल मेरे को फार्मूला याद नहीं था सर. मैंने पूरा आंसर तो आना जाएगा. R तक हो गया था. फिर तो बहुत इजी. NP2 इज इक्वल टू 110 है सर. 11 कट जाएगा. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल. अभी ये इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है इन दोनों में. n माइनस 2 फैक्टोरियल से n और n माइनस 1 रह जाएगा ऊपर. Yes, sir. Yes, sir. Number इनका मल्टीप्लिकेशन 110. 11 into 10. 11 into 10. 11 और 2 minus equal to 11 आ गया. Yes, sir. ठीक है. Next question भी ये था. ये भी करना चाहिए था. NC5 is equal to NC7. बताओ ये तो इस पर काफी डिस्कशन भी होता. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. 7 + 5 = 12 हो जाएगा तो n 12 आएगा. इन दोनों का सम तो n बन जाता है. आवाज नहीं आ रही. NC5 = NC7 से हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि n = 12 होगा. यस सर. यस सर. प्रॉपर्टी क्या है? NCR = NCn - r. कि अगर ये r है तो ये n - r होता है. यस सर. ठीक है. और वैसे डायरेक्टली याद रखोगे इन दोनों का सम n होता है. अब n की वैल्यू 12 मालूम चल गई. पूछा क्या क्या? फाइंड NC10. क्या हम 12 से 10 नहीं निकाल पाते? कितनी बेसिक चीज थे. 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 66. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. जस्ट कुछ बोल रहे हो या घर में कुछ बात कर रहे हो? चलो बाई यूजिंग डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9 सम नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड
where the digits can be repeated. अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन, तो बोलिए कितने कितने इजी क्वेश्चन में से जो किए जा सकते थे. क्या रहा है बताओ, कितने फोर डिजिट नंबर बन जाएंगे यूजिंग दीज नंबर्स? कौन कौन से नंबर? 5 ऑप्शन, दूसरी के लिए भी 5, तीसरी के लिए भी 5, तीसरी के लिए भी 5, 625 625 625 आ जाएगा. छोड़ नहीं सकते जैसे, मतलब अगर कोई ज्यादा पावर है 5 से पास 7 तो वो वैसे नहीं छोड़ सकते. मतलब जब भी तुम एग्जाम दोगे उसमें यूजली ऑब्जेक्टिव पे आएंगे क्वेश्चन, तो ऑप्शन होगा. ऑप्शन ऑटोमेटिकली इसी फॉर्म का होता है. अगर बड़ा होता है तो वो एनपीआर एनसीआर के फॉर्म में ऑप्शन होता है या फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है. ये मैंने जानबूझ के सारे नंबर ऐसे दिए जो कैलकुलेट किए जा सकते हैं. 5 टू पावर 4 कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं, 25 स्क्वायर ही तो है. 5 टू पावर 7 नहीं पूछा जाएगा. सर आप एक बार पुरानी स्लाइड पे जा सकते हो सर, जो आपने हाँ जा सकते हैं. ओके सर. हो गया सबका ये क्वेश्चन नोट हो गया सबका? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद MAT दैट कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स. अरे ये भी बहुत इजी था यार. आप ये नहीं पाया यार, ये तो 40,000 कुछ आ रहा था. 40,000 अभी बोल दिया गया कि वर्ड मैथ MAT से स्टार्ट होना, तो ये तो फिक्स हो गए. इसके लिए तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको देखना भी नहीं है. भाई जो फिक्स है वो फिक्स है, वो कोई ऑप्शन थोड़ी दे रहा है हमें. बाकी लेटर्स को अरेंज कर दो. कितने लेटर्स हैं? 368 लेटर्स हैं, 8 फैक्टोरियल. कोई रेपिटेशन है क्या? कोई रेपिटेशन नहीं है, खत्म बात. क्या चाहते हो और इसे भी क्या दे देते बताओ? सर हमने इसमें 9 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया, क्योंकि बॉक्स भी तो एक नंबर एक लेटर होगा ना. चेंज करना है क्या? बॉक्स तो फिक्स है ना, वही रहेगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि सारे वर्ड वही चाहिए जो MAT से स्टार्ट हो रहे हैं. यस सर ठीक है, समझ गया. क्या बोल रहे आ रहा हूँ सर? मेरा एक ही आंसर. ये एक ही आंसर सर? यही आंसर सही गया. अच्छा अच्छा ठीक है, तो सही होना चाहिए था, सबका सही होना चाहिए था. सर इससे पहले किसी ने पूछा था ना कि MAT अरेंज भी तो हो सकता है, सर मुझे समझ नहीं आया 9 फैक्टोरियल्स नहीं होगा. MAT क्यों अरेंज होगा भाई? इसने कह दिया कि वर्ड MAT से स्टार्ट होना चाहिए, तो तुम TAM से थोड़े स्टार्ट कर दोगे, अरेंज कैसे कर दोगे इसको? ये तो फ्रीज है. चलो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखो कितने लकी है तुम लोग. स्वास्तिका ने एक क्वेश्चन टेस्ट के जस्ट पहले पूछा था, उसके बाद भी नहीं कर पाए कई लोग. 5 पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय फैमिली ऑफ 7 पैरेलल लाइंस, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर फॉर्म्ड. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, उसमें रेक्टेंगल थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिखा था, इसमें पैरेलल लिखा है. तो भाई उन 5 में से कोई भी दो चूज कर लोगे और दूसरी 7 में कोई भी दो चूज कर लोगे, कोई भी दो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो पैरेललोग्राम ही तो बनेगा. एक सिंपल सा आंसर 5C2 * 7C2. 5 क्वेश्चन तो सबके सही होने चाहिए थे, बिल्कुल आग बंद कर गया. चलो नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर P 4 टाइम्स, लेटर A ट्वाइस एंड लेटर Z. ये भी सही था, ये भी एकदम इजी था. पी 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 4 बार पी है और जेड वंस है और ए ट्वाइस है, तो ए ए जेड कितने अरेंजमेंट होंगे बताओ? क्या चाहिए इससे? इसे कितने लेटर्स हैं? 7 फैक्टोरियल. बताओ भाई बताओ. सर 105 है सर. बोलो सर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैसे आया?
सर थ्री होना चाहिए ना, सेवन तो होना चाहिए, सेवन लेटर्स हैं, सेवन में तो डाउट नहीं होना चाहिए। सर पर फोर प्लस टू तो सिक्स होएगा, फोर प्लस टू और एक वन जेड भी तो है, सेवन नहीं है। कितने लेटर्स लिखे हुए हैं, सेवन लेटर्स है ना भाई सर। अच्छा ठीक है, फिर नीचे क्या आता है जो रिपीट हो रहा होता है, तो फोर टाइम्स पी रिपीट है तो फोर फैक्टोरियल, टू टाइम्स ए रिपीट है तो टू फैक्टोरियल। ओके सर। सर हाँ सर, 14 क्वेश्चन सर आप बता देना सर, वो थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट है। सारे करा रहा हूँ ठीक है, अचानक से कहा रैंडमली 14 पे आ गए। कोई डाउट है आता किसी को? नो सर। पेपर डिफिकल्ट नहीं था, तुम लोग का दे हो ये तो अभी, उस समय तो मुझे याद नहीं आया कि भाई सबका ही कमा, मुझे लगा कि भाई होगा डिफिकल्ट, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इजी है। 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाए ऑन अ प्लेन, नंबर ऑफ पेंटागन्स बताओ, इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें 20C5 होगा क्या? 20C5 सर, लेकिन आंसर गलत है। फिर सर आंसर गलत दिया है, सर आंसर गलत है, गलत दिया है, यस सर रिजल्ट होगा ठीक है, सबने अच्छा किया है। 20C5 में तो होगा सर, गलत आ रहा आंसर। हां 20C5 5 चूज करने मत करना, मुझे पहले कैलकुलेट करने दो। तो 20 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 20, 19, 18, 17 और 16, नीचे 5 फैक्टोरियल है, 5, 4, 3, टू वन नहीं लिख रहा हूँ मैं, 5 और 4 से 20 कैंसिल और 3, 2, 6 से 18 कैंसिल। अच्छा इतना लंबा मल्टीप्लाई मैंने दे दिया था, तो मैंने करा नहीं सर, मैंने उसमें तो मैंने करा था पर आंसर गलत आया सर, आंसर मैंने डबल 540 आएगा सर। मैं तो मीटर किसी देने थोड़ा सा ही टाइम बचा था तो मैंने सीधा उसमें लिख दिया। क्या जाएगा 15,000? तेज बोलो थोड़ा। किसी का सही था क्या? हाँ सर मेरा सही था। हाँ सर मेरा सही था। हाँ सर मेरा भी सही था। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाता है, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं, मैं करूँगा रिजल्ट में कुछ काम करूँगा, लिख लो मैं एक बार बोल रहा हूँ। 15504 ये ठीक करना है। एक और क्वेश्चन कौन सा आया था अभी सर? सर लैंग्वेज वाला आंसर, लैंग्वेज वाला आंसर। चलो चलो आगे बढ़ो, इग्नोर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रैंक वाला क्वेश्चन, रैंक तो यार सबको आने चाहिए थे सर। हाँ वो ठीक है सर। रैंक डिस्कस करनी है क्या? नहीं सर वो आपने कर दी थी, कर दिया था, कर दिया था। डिस्कस करने की जरूरत है कि नहीं है बताओ? ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, दे हैव टू बी सीटेड इन अ रो, हाउएवर टू पर्टिकुलर गर्ल्स डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, how many ways can these 3 boys, ye to easy tha, 3 boys and 3 girls hain, aur keh raha hai ki do 2 girls hain jo saath mein nahi baithna chahte hain, sahi hai na? ha to ye wahi case hai, total case nikalne the pehle, total kitne case hain inko arrange karne ke, total kitne case hain? b1 b2 b3 aur g1 to sir pehle arrange kar। नहीं नहीं जीवन का नहीं पता ना कि जेटू और जीत्री को नहीं बैठना है, जीवन जेटू को रुक जाओ भी, पहले टोटल केस निकाल लो। इसमें टोटल कितने केस पॉसिबल हैं? 6 फैक्टोरियल ठीक है। और अभी वो केस हटा दूं मैं जिसमें, अच्छा 2 पर्टिकुलर है ठीक है, मान लो ये दोनों को साथ में नहीं बैठना था, तो वो केस हटा दूं जिनमें ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। यस सर। वैसे कितने केस हैं जिसमें ये दोनों साथ में बैठेंगे, इनको बॉक्स में कवर कर लें, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है?
सर वो मैंने B1, B2, B3 और G1 को अरेंज कर दिया था इनके, फिर गैप्स में सर G2 और G3 काउंट करा। आंसर आया क्या? सर याद नहीं है मुझे। सर मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा आंसर 864 आया। ओके, ये अपन बता रहे हैं, लेट मी सी कि कुछ प्रॉब्लम है या सही है, कि पहले इन चारों को अरेंज कर दो, B1, B2, B3 और G1 को, जो कि हो गया 4 फैक्टोरियल। नाउ इन गैप्स में इन दोनों में को कहीं भी डाल दो, तो इन गैप्स कितने गैप्स हो गए चार लोगों के बीच में, कॉर्नर मिला के 5 गैप्स हो गए। Yes, एक के पास 5 ऑप्शन है और एक के पास 4 ऑप्शन है, तो दैट वुड बी 480। ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा और कोई गलती इसमें नहीं होगी। सर कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर 13। डिस्कनेक्ट हुए थे सर। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट इज साहिल हैज फॉरगॉटन हिज 3 लेटर पासवर्ड कंसिस्टिंग ओनली, ये भी बहुत इजी था, अल्फाबेट्स for opening email ID, blah blah kahani. However, he knows that there is no vowel in the password. ठीक है भाई, 3 letter का password है, उसमें कोई vowel नहीं है और no letter is repeated, कोई repetition भी नहीं है. He uses hit and trial method to open Gmail ID. How many attempts at the maximum are required? At the maximum यहाँ जरूरी है क्योंकि हो सकता है पहले बार में तुक्का लग गया. तो वो minus कर देंगे ना vowels. सब बोलने कर, कोई नहीं पाया सर, मैंने किया था, थ्री भी तो करेंगे सर, क्योंकि 21C3 था तो सर 18 तक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर सर सॉरी परम्यूटेशन है ना ये? यस सर सॉरी। अगर 21C3 ले भी लोगे तब भी हो जाएगा कि 3 ले लिया फिर उनको अरेंज कर दो, इनटू 3 फैक्टोरियल कर दो, एक ही बात है। ठीक है, मेरे लुक पे यार कोई कमेंट नहीं आया, देखो इतना भी क्लीन शेव वगैरह, व्हाट डू यू से? सर आप तो हमेशा ही अच्छे दिखते हो सर। ये लड़का बहुत आगे जाएगा, सबसे आगे यही जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू श्रेयांश। सर सक्षम हाँ, नहीं श्रेयांश ने चैट में कमेंट किया है, हमारी तारीफ कर दी भाई। स्वास्तिका आप कोई लोग जो सच बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सक्षम क्लास टेन। आगे बढ़े, यस क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन ऑड नंबर वाला, ये भी 180 कुछ गधों ने गलत किया हुआ है, इसको भी कुछ क्या बहुत लोगों ने गलत किया है, कि 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना यूजिंग 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब क्या चाहते हो और क्या इससे इजी चाहिए? इजी था, इजी था। 4 डिजिट ऑड नंबर है और हमें लास्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं? 3 5 आएगा या 7 आ गया? 9 है, लास्ट प्लेस के लिए 3 ऑप्शन है, फिर फर्स्ट प्लेस के लिए 5 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5
मार्क्स अपडेट करके दिया। ओके सर, ठीक है, तो मैं कर दूं डिस्कस, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रैंक वाले में तो इतने डिस्कस हो गए इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ।
सर नो प्रॉब्लम्स सर, मुझे हमने टेस्ट के बाद भी डिस्कस कर लिया था। हां बट उसमें कुछ लोग भेज दिया था ना, मेरे अंदर अलाउ कर दिया था तो कुछ लोग चले गए थे। चलो और कोई डाउट रह रहा है किसी का? नो सर। अच्छा तुम लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आई थिंक फैक्टर्स वाले क्वेश्चन काफी आए होंगे तो मैं सोच रहा हूँ वो भी बता ही देता हूँ, वो मैंने नहीं करा। ऑल्दो भी काफी चीजें हैं और काफी सिर्फ इतना ही चैप्टर है। सक्सेसर एंड प्रीडिसर वाले की सम वाले बहुत आ रहे थे, अभी मैं रुक जितना पॉसिबल है तुम्हारे लिए उतना बता देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले क्वेश्चन देखेंगे तुम लोग, नंबर ऑफ डिवाइजर से नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता होगा किसी नंबर के। उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें। Let's see, ये भी पीक लेते हैं कि how to find number of factors of a particular number, कि कितने factor होंगे, ठीक है? छोटे number में तो हम count कर लेते हैं, मान लो मैं कहूँ 24 ही कितने factor होंगे, तुम count कर लो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। बड़ा अगर कोई बड़ा number दे दिया जाए कि बताओ भाई 3600 के कितने factor होंगे, तो ऐसे count करना तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो इसको परम्यूटेशन की हेल्प से बहुत अच्छे से किया जा सकता है। लेट्स सी हाउ। मान लो मुझे मैं एग्जांपल बात लेता हूँ, पहले मैं थ्योरी टाइप से बता देता हूँ। कोई नंबर है n जिसका फैक्टराइजेशन ऐसा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, p1 टू द पावर a1, p2 टू द पावर a2, p3 टू द पावर a3। समझ रहे हो ना, p1 p2 p3 प्राइम नंबर है और वो पावर है उनकी। n क्या है सर? n ये देखो ध्रुव राय को तो ज्यादा ही बोल रहा है, ये पब्लिकली बोलना चाहिए ना, प्राइवेटली क्यों बोल रहा है यार, जो सच्ची सच्ची बातें हैं। कुछ बोल रहा है कि मैं क्रिश एवांस और ऋतिक रोशन टाइप से लग रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ लेकिन ठीक है, जो बच्चे सच बोलते हैं वो अच्छे ही होते हैं। एनीवे चलो, तो मान लो हम कुछ इसको इस तरह से फैक्टराइजेशन किया गया है इसका, p1 p2 p3 और एक और चलो ले लेते हैं p4 टू द पावर a4। थैंक यू अर्चिता, खत्म ही नहीं हो रही तारीफ में। थैंक यू सृष्टि भाई, आज मम्मी से कहना पड़े नजर उतार दे मेरी, काफी लोग पीछे पड़ गए हैं। चलो चलो फोकस करो। तो अभी देखना है कि भाई कितने फैक्टर्स होंगे इसके। तो एक बात समझो, मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। लेट्स से 100, दैट इज 2 टू द पावर कितनी होगी, 2 होगी ना, थोड़ा और अच्छा नंबर ले लेता हूँ, 24 ही ले लूँ क्या, 180 ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छे नंबर था। तो दैट वुड बी 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड इनटू 5 टू द पावर 1। अभी बताओ कि मैं 2 की कितनी भी पावर ले लूँ क्या वो एक फैक्टर बन जाएगा, या मैं किसी भी नंबर की कोई भी पावर ले लूँ क्या दैट विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ 180? 2 की पावर मैं चाहे 1 ले लूं चाहे 2 ले लूं, साथ में मैं 3 की पावर 1 ले लूं चाहे 2 ले लूं, साथ में चाहे 5 की पावर 1 ले लूं या ना लूं, मैं कोई भी नंबर इनमें से चूज करूंगा, क्या वो अल्टीमेटली एक फैक्टर ही होगा इसका? यस सर। यस सर। चलो मान लो कोई नंबर है 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 2। तो क्या बताओ, मैंने कहा 2 की पावर 2 ले लेते हैं, 3 की पावर 2 ले लेते हैं, 5 की पावर 1 ले लेते हैं, 7 की पावर 0 ले लेते हैं, क्या ये एक इस नंबर का एक फैक्टर है? फॉर श्योर। Yes, sir. तुम कोई भी पावर चूज कर लो भाई, इसी के तो फैक्टराइजेशन से उठा रहे हो, तो पक्का एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है? तो अब देखो तो करें कैसे। तो मैंने कहा देखो मुझे 2 की पावर चूज करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, मैं कितने ऑप्शन है 2 की पावर चूज करने के, सोचो क्या क्या चूज कर सकता हूँ। थ्री ऑप्शन 2 की पावर में 0 चूज कर सकता हूँ, 2 की पावर 1 चूज कर सकता हूँ, या 2 की पावर 2 चूज कर सकता हूँ। 3 की पावर चूज करने कितने ऑप्शंस हैं? 3। 5 की पावर चूज करने कितने ऑप्शंस हैं? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर इस तरह के फैक्टराइजेशन है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, p1 की पावर चूज करने कितने ऑप्शन हो गए, a1 + 1, a1 तो पावर एक जीरो वाला भी आ जाएगा, तो इतने ऑप्शंस हो गए। p2 की पावर चूज करने के a2 + 1, a3 + 1, a4 + 1, and that's how we will get the number of factors. समझ गए? So 180 कितने factors होंगे? So 2 + 1, 3 × 3 × 2. So there will be 18 factors of the
नंबर 183। बात ऑन में आई था आपको? नहीं आई सर। ये फंडा समझ में आ गया था कि मैं किसी भी नंबर की कोई पावर चूज कर लूं तो फैक्टर ही बन जाएगा? यस सर। अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे जा रहे हैं, तो बताओ मैं 2 की पावर चूज करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3। ये ऑप्शन 3 कैसे? जितनी पावर होगी उससे ज्यादा ऑप्शन होगा क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। बताने के लिए यही तो कर दिया है कि इसकी पावर A1 है तो कितने ऑप्शंस हैं, A1+1, इसकी पावर A2 है तो कितने ऑप्शंस हैं, A2+1। और ऑफ कोर्स सारे काम एक साथ करने तो इनटू सर 18 नंबर ऑफ ऑप्शंस है, यानी टोटल 18 फैक्टर है, तो फाइनल आंसर आया ना 180, ये कितने फैक्टर्स होंगे? 18 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, बताना चाहो तुम लोग की 400 है कितने फैक्टर्स होंगे? 100। थैंक यू अपूर्वा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 4+1 मतलब 5 into 2+1 that is 3, so there will be total 15 factors of the number 400। तो बात समझ में आ रही है? तनिष्का तुम अब आयो तुम्हारा? यस सर 50। तनिष्का और तुम्हारा, मैं 2 हफ्ते से तुम्हें ऐसे ही देख रहा हूँ, पता नहीं क्या। एनीवे सबको बात समझ में आ गई है? सर मुझे एक डाउट है सर, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है जैसे वो 18 आया है सर, उसके अंदर रिपीट भी तो हो रहा है 1, क्योंकि 2 to the power 0 भी 1 होता है, 3 to the power 0 भी 1 हो जाएगा, सारे मिलके एक ही तो बनेंगे। अगर तुम सबकी पावर 0 ले लोगे तो 1 आ जाएगा, वो एक ही बार तो आया है, जब सबकी पावर 0 ली गई है एक ही केस तो आया था। अच्छा 1 into 1 होके 1 ही तो बन रहा है फाइनली। ओके सर समझ गए, कोई भी केस रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा लगा फॉर्मूला? है फॉर्मूला तो आ गया, वो फॉर्मूला तो याद नहीं, मतलब कैसे फैक्टर्स निकालने किसी भी नंबर के, कैसे निकालने नंबर ऑफ फैक्टर्स ना? अभी तो बात हो रही थी, ये फंडा समझ में आया था कि नहीं आता है, किसी भी प्राइम फैक्टर की हम कितने भी पावर ले लेंगे, मतलब जितनी पावर उसके फैक्टराइजेशन में उससे या उससे कम ले लेंगे कोई पावर तो फैक्टर ही बनेगा। यस सर। सर हम पावर प्लस 1 कर रहे हैं ना इसमें जो भी? हाँ पावर पर, तो हम ये देख रहे हैं कि यार हर प्राइम नंबर की कितनी पावर ले सकते हैं, कितने ऑप्शन है हमारे पास, तो जिसकी पावर जितनी होगी उससे एक ज्यादा ऑप्शन है कि नहीं है, मतलब पावर अगर 5 है तो हमारे पास 6 ऑप्शन हो जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यस सर ये तो हो रहा है, पर सर 400 में फिर हमने 3 क्यों नहीं लिया? क्या 3 नहीं लिया? 3 तो है ही नहीं फैक्टराइजेशन में ना, फैक्टराइजेशन करते हैं ना पहले सर। अच्छा ओके सर, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही एप्लीकेबल है क्या? कितने फैक्टर है ये पूछे जाएंगे। ठीक है और कोई डाउट रह रहा है इसमें? चलो एक और है, थोड़ा सा हाई लेवल है, वो भी करा दें क्या? यस सर। सर इसी टाइप का है? यस सर। इस टाइप का तो नहीं है? नो सर। करवा दो? नहीं सर करवा दो। करवा दो तो बहुत नया चैप्टर शुरू कर दो। नया चैप्टर सर, नया चैप्टर, नया चैप्टर, नया चैप्टर करा दीजिए। रात से निकाला है करवा दो, तो फिर मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ सर इसको क्लास के लिए। सर इस चैप्टर की वर्कशीट होगी? अभी नहीं, मैंने क्वेश्चन दिए तो थे, कितने क्वेश्चन चाहिए भाई, इतने क्लास में करा दिए हैं। ओके सर। सो नेक्स्ट चैप्टर व्हिच वी आर स्टार्टिंग दैट इज बाइनोमियल
थ्योरम। बाइनोमियल वर्ड तुमने पहले सुन रखा है तो पता भी इसका मतलब क्या होता है। यस सर। क्या होता है? सर पॉलीनोमियल विद टू टर्म्स। एक पॉलीनोमियल इसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अब यहां बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है टू एक्सपैंड द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एक्सपैंड मतलब एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की कुछ पावर हो, अगर पावर 2 3 5 4 10 20 हमें तो अभी सिर्फ ये पता है a + b होल स्क्वायर, पावर 2 पता है, a + b होल क्यूब पता है। उसके बाद अगर पावर होगी तो कैसे एक्सपैंड हो सकती है, क्या फॉर्मूला बन सकता है? दैट इज डन बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे हो सकता है। तो a + b इज अ बाइनोमियल टर्म a + b, तो मैं अगर पावर 1 करूं तो क्या आएगा, और अगर मैं 0 करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है भाई, a + b टू द पावर 1 करूं तो चलो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह लिख देता हूँ प्लस 2ab + b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलो भाई a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² + 3ab² a² + 3ab² + b³ Now tell me, ये जो अच्छा सा डायग्राम बन रहा है something like that, क्या तुम्हें इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? सबसे पहला पैटर्न क्या तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स पे एक पैटर्न समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो जीरो पे वन है, पर वन पे टू हो रहा है, टू में थ्री और थ्री में फोर। पावर होती है उसका प्लस वन होता है, पावर जीरो है तो वन टर्म है, पावर वन है तो टू टर्म्स है, पावर टू है तो थ्री टर्म्स है, एंड पावर थ्री है तो फोर टर्म्स है। क्लियर है? तो अगर पावर फोर होगा तो कितने टर्म्स आएंगे, क्या ये हम कह सकते हैं? पावर भी ऐड होती जा रही है सर, एक वर्ड आएगा फिर। अभी ए की पावर में कोई पैटर्न है क्या? हाँ सर है सर, सर जब नंबर वन, जब पावर वन है तब ओनली ए है, जब पावर टू है तो ए स्क्वायर, जब पावर थ्री है तो ए क्यूब, अब जब पावर फोर है तो ए। ए का पूरे में देखो सर, एक जगह में पावर वन वन से इंक्रीज हो रही। पहले टर्म में जैसे पावर ए क्यूब वाले में देख लेते हैं, पावर ए की पावर थ्री है, फिर अगले टर्म में ए की पावर कितनी है? फिर अगले टर्म में वन थ्री, अगले टर्म में जीरो। क्या ऐसा हो रहा है कि ए की पावर जितनी होल पावर होती है वहां से शुरू होती है, फिर हर एक टर्म में एक एक कम होती जाती है? यस सर। तो इसकी पावर फोर वाले में कहां से शुरुआत होगी? अगले टर्म में और कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन एक क्यूब होगा ये हमें पक्का पता है। क्या 4a³ होना चाहिए? देखते हैं रितु, वो भी देखेंगे। पावर ए की तो 3 है, ऐसे ही अगले टर्म में ए की पावर टू, अगले टर्म में वन, अगले टर्म में जीरो, ये नहीं हुआ उसमें। ठीक है भाई, क्या ऐसे ही बी की पावर में भी पैटर्न है? यस सर, यस सर, तो पीछे की तरफ पीछे की तरफ, वो फिर बी टू बी थ्री बी फोर बनेगा। शुरुआत कहाँ से हो रही है, किस पावर से? जीरो। पहले टर्म में बी की पावर जीरो होती है, अगले में वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। तो ऐसे ही पावर फोर वाले में पहले में बी की पावर कितनी होगी? जीरो। सेकंड टर्म में फोर। तो हमने पूरा पैटर्न अपनी तरफ से बना लिया, देख सकते हैं। कोफिशिएंट्स मिसिंग है, कोफिशिएंट्स
को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट यहाँ से तुम लोग पावर का गेम पूरा समझ गए हो कि अभी मैं पावर कुछ भी दे दूं तुम ए और बी एडजस्ट कर दोगे तुरंत, अगर मैं ए प्लस बी की पावर 10 दे दूं बात कहाँ से होगी, ए प्लस बी की पावर 10 में शुरुआत कहाँ से होगी, ए टू द पावर 10 अगला टर्म जैसे ए की पावर 2 बी की पावर 1 3 ही तो सम है हर जगह 3 सम है हर टर्म में, ऐसे ही नीचे हर जगह 4 है सम, तो अगर कोई ये भी बोल देना कि एक टर्म में ए प्लस बी की पावर 10 है एक टर्म में ए क्यूब है तो बी क्या होगा उस टर्म में, बी 7 की पावर 7 होगी, समझ में आ गई बात। अभी कोएफिशिएंट का पैटर्न ये नई चीज है, कोएफिशिएंट का पैटर्न देखो, अगर मैं सिर्फ कोएफिशिएंट को अलग से मेंशन कर रहा हूँ तो पहले में कोएफिशिएंट 1 था, फिर अगले में देखो क्या था 1 1, अगले में क्या था 1 2 1 1, अगले में क्या था 1 3 3 3 1 3 1, क्या वो चल रहा है, एक मिनट, ये तो एक ट्रायंगल सा बन रहा है, इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। हाँ सोनिया अपने क्या बोला सर, ये तो 11 का हो चल रहा है स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 11 का क्यूब, एक मिनट मैं स्क्वायर चल रहा हूं, यस सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं 11 का पैट 11 का पावर चल रहे हैं, अगला भी फिट होगा क्या, अगला 11 की पावर कोई 4 बताना क्या होता है, कैलकुलेटर से बताना, कैलकुलेटर 121 into 121 कर दो सर, 1 2 3 सर, 1 2 3 3 4 4 4 3, अच्छा तो फिर नहीं है ये पैटर्न नहीं है, तभी मैंने नोटिस नहीं किया है, यहाँ तक है आगे नहीं करेगा। ये पैटर्न देखो तुम ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न कैसे बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है कि ऊपर के दो डिजिट को ऐड करके नीचे का डिजिट मिल जाता है, ऊपर के दो डिजिट का मतलब जैसे यहाँ कुछ नहीं तो मैं 0 लिख लेता हूँ, अब देखो 0 + 1 मिलके 1 आ गया, यस सर, यहाँ कुछ मैं 0 लिख लेता हूँ, 1 + 0 मिलके 1 आ गया, यस सर, ऐसे ही देखो 0 0 यहाँ लिख लिया, कुछ नहीं 0 लिख लिया, तो 0 + 1 मिलके 1 बना नीचे, इसके 1 + 1 2 नीचे 2 दिख रहा है, फिर 1 + 0 देखो जरा सर, सर बोलो बोलो सर, वो मेरा ना पीटिया में, तो मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी अभी, जाओ अगला वाला देखो, 1 + 2 3 बन रहा है, बन रहा है यहाँ तो 0 तो 1 + 0 1 ही बनेगा, यहाँ भी 1 + 0 1 बनेगा, सब लोग समझ गए, तो बताओ अगला सीक्वेंस क्या होगा इस पैटर्न में, 1 4 9 4 6 6 1 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
तुक्का मार रहा था एनीवे तो हमें कोफिशिएंट लगा देने चाहिए सबसे ए की पावर 4 में 1 अगले में 4 फिर अगले में 6 अगले में 4 फिर अगले में 1 ये हमने बना लिया है a प्लस b टू द पावर 4 अभी कितनी पावर हो जाएगी इसकी हेल्प से पावर 10 पावर 20 पावर 30 अच्छा लेकिन बताओ क्या है कोफिशिएंट निकालने का सही तरीका पावर 20 हो गई तो क्या हम पूरा ट्रायंगल बनाते घूमेंगे कि 20 तक पावर है तो कितने 100 कर दे पावर फिर बहुत लंबा तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट प्रैक्टिकल वे टू फाइंड द कोफिशिएंट्स अब ये कोफिशिएंट फाइंड करने का एक और तरीका है क्या ये कोई ऑब्जर्व वैसे मुश्किल है स्टिल कोई ऑब्जर्व कर सकता है ये किस पैटर्न में है एक्चुअली में ये एक और पैटर्न भी है जो हमने पढ़ लिया है अब कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड है फैक्टर ट्री टाइप का फैक्टर ट्री नहीं है कुछ हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ है मुश्किल है सोचना वैसे चलो सब लोग ये बताओ 3C0 क्या होता है थ्री सी वन थ्री सी टू वन वन वन
क्या पैटर्न है? क्या यही लिखा हुआ है? 3C0 पावर 3 थी, 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3. Yes, एक और चेक कर लेते हैं. 4C0 क्या होता है? 1 क्या होता है? 4C2 क्या होता है? 6. अब तो ऐसे बोल दिया मैंने कैलकुलेट. 4C3 क्या होता है? 4. 1. क्या सारे पैटर्न सेट हो गए? हम कोफिशिएंट ही बता सकते हैं. जो पावर होगी उसके 0 से शुरू कर दो. 4 है तो 4C0, 4C1. पावर हमें एक ही पता है, बी की पता है, तो हम अब कोई भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं. सबको आ गई बात समझ में? होगा तो 20 की जीरो से स्टार्ट होगा. बिल्कुल 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 सर. एक मिनट बात करें, रुक जाओ, एक लिख भी लेते हैं इसीलिए. ए प्लस बी टू द पावर 6, बताओ क्या होना चाहिए? हेलो. यस सर. सर टू द पावर 6. अरे पहले कोफिशिएंट बोलो ना. ठीक है. ऑब्वियसली हमें इन सारी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी. 6C0 तो अब ये देखो कि सारे कोफिशिएंट निकालने होते हैं. आगे और पीछे सेम ही तो होते हैं. 6C0 सेम है 6C6. करने नहीं होता है, सिर्फ यही दो करने हैं, 2 और 3. बाकी सारे दूसरे से मैच हो जाएंगे. पहले निकालो तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6C2 15 हो जाएगा, 6C3 हो जाएगा 20, एंड देन फिर से रिपीट होंगे 15 एंड देन 6 एंड देन 1. क्लियर है? यही है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन. ठीक है. ऑब्वियसली इसमें भी थोड़ा बहुत और कंटेंट है. जनरल टर्म वगैरह की बात होगी. क्लास 10th और जैसे एपी में जनरल टर्म पढ़ा है, क्लास 9th का भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, बट अभी हम बात करेंगे इसकी भी. तो इतना तो क्लियर है, कोई इसमें डाउट तो नहीं है? इसके पीछे वाली अगर स्लाइड दिखा दीजिए. क्या दिखा दूं? इसके पीछे वाली स्लाइड. हो गया. ओके. ठीक है. अभी देखो मैंने a प्लस बी लिखा है, इसका मतलब नहीं कि अगर b से माइनस आ जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी. कोई दिक्कत नहीं होगा. b से माइनस आ जाएगा तो हम वो माइनस b के साथ इंक्लूड कर लेंगे. मतलब मान लो अगर बोल दिया जाए कि यार x माइनस 2 की पावर 4 बताओ, तो अगर इसको ऐसे कर देंगे, बस 2 की जगह माइनस 2 रख देंगे. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस माइनस 2 टू द पावर 4. Yes. A की जगह x आ जाएगा और b की जगह माइनस 2 आ जाएगा. इसको एक्सपैंड करो सब लोग. x माइनस 2 टू द पावर 4 को फोर सी जीरो में नहीं, प्रॉपर नंबर्स में. और पूरा कर लो, कर बोलो सर. हाँ सर, इसमें तो एक टर्म है और एक कोएफिशिएंट है. क्या हुआ? बी की जगह नंबर भी आ सकता है. ये थोड़ी कोई कह रहा है कि अल्फाबेट ही आएंगे. कुछ भी है, तुम ए की जगह ए की वैल्यू रखो, ए की जगह एक्स रखो, बी की जगह माइनस टू रखो. नेगेटिव साइन माइनस का रिपीट कर.
क्या नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन क्या, तो क्या हुआ? पावर ही तो है, अगर पावर इवन हो गई तो प्लस हो जाएगा, ऑड हो गई तो माइनस हो जाएगा। अर्चना तुमने क्या बोला था एक बार, ये माइनस कैसे हो गई? x माइनस टू लिखा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x प्लस माइनस टू, बेसिकली a प्लस b, तो a प्लस b के फॉर्म में तो हो गया, a की जगह x आ गया और b की जगह माइनस टू आ गया। सर हो गया मेरा, हो गया कुछ लोगों का, सदान के अलावा हो गया और किसी का? सर एक मिनट रुक जाओ, कर लो। सर हो गया, हो गया, हो गया। तो क्या हो जाएगा ये? सर हो गया। सबसे पहले हो जाएगा x टू द पावर 4, अगला टर्म बताओ क्या होगा? माइनस 8x क्यूब, माइनस 8 क्यूब, माइनस 8x क्यूब, 8x क्यूब, 8x क्यूब, मतलब मैं टर्म बाय टर्म लिख दे रहा हूँ, 4 आएगा कोफिशिएंट, x क्यूब और माइनस, सॉरी प्लस 3 माइनस 2, जो कि सॉल्व होके माइनस 8x क्यूब बन जाएगा। मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ जिस फॉर्म हमने पहले एक्सपैंड किया है, ठीक है, बाद में सॉल्व कर लेंगे। प्लस 4c2 24x2 एंड माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे ही 4c3 जो कि 4 हो जाएगा, माइनस 32x माइनस 2 क्यूब एंड 4c4 जो कि 1 है, माइनस 2 टू द पावर 2 to the power 4, डिवाइड कर लेंगे तो x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 24x² माइनस 32x प्लस 16। सबको समझ में बात है? यस यस, टॉपिक है जिसका पहले कुछ छूट गया, कोई बात नहीं, यहां से फिर से कैच अप कर सकते हो। हां, तो कुछ बोलना था? ये क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। चलो मैं एक एक्सपेंशन दे देता हूं, वो होमवर्क में कर लाना सब लोग। सर वो लिखा नहीं था। अच्छा, उससे लिख लो। ओके सर, कर लो जल्दी, कर लो। चैप्टर का नेम बाइनोमियल थ्योरम है ना? कर लिया देते? यस सर। ओके, मैं कुछ एक्सपेंशन दे दे रहा हूँ, तो अब वो कर लेना तुम लोग होमवर्क में। तीन काफी हैं? यस सर। यस सर। ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया। कौन सा? सर जो माइनस वाला किया था। क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, इसके बारे में आएगा, एक्सपैंड करने को थोड़ी ना आएगा। ओके। और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो आएगा। हाँ अर्चिता, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं आया समझ में? कोफिशिएंट तो सी वाले से होगा ना, पावर 4 है तो कोफिशिएंट क्या होगा? पहले में 4c0 होगा, दूसरे में 4c1 होगा, तीसरे में 4c2, फिर 4c3, फिर 4c4। तो 4c01 है जो मैंने पहले में लिखा नहीं है, अगले में 4c1 4 होता तो इसलिए 4 लिखा हुआ है,
फोर से टू सिक्स होता है तो सिक्स लिखा हुआ है, देख रहे हो कोफिशिएंट ये है। पहले मैंने कुछ नहीं लिखा है, वन है, दूसरे में ये फोर सी वन है, ये फोर सी टू है, ये फोर सी थ्री है, और चौथे में फोर सी फोर है। फिर ये ए की पावर, देखो एक्स की पावर कम होती जा रही है, फोर से शुरू हो रही है, फोर थ्री टू वन, और अगले में जीरो है, और माइनस टू की पावर बढ़ती जाएगी। पहले में जीरो पावर है, दूसरे में वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, ठीक है? यस सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, कर लेना। फिर मैं यहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कोई टेस्ट तो है नहीं अपना, संडे है। चलो सर, कुछ आगे सर की क्लास है ना? अच्छा अच्छा हाँ, अभी थोड़े से अभी भी बीमार है वो, आई होप ठीक हो जाएंगे कल तक, तो क्लास हो जाएगी। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। ओके सर, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। बाय ऑल। बाय। फिर वैसे अब बीएड में ज्यादा अच्छे लगते। अच्छा, थैंक यू। वो आ जाएगी, अब मैं योग आता हूँ उसका।